नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस। दोस्तों, आज की 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में लेटेस्ट न्यूज़ में आज हम बात करने वाले। यहाँ पर फिलहाल हाई कोर्ट में फाइनल सुनवाई जारी हो चुकी है, तो यहाँ पर सरकार ने कहा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत तय करने का निर्णय यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट में दाखिल किया जवाब, तो क्या है इस संबंध में लेटेस्ट न्यूज, आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले। तो कहीं ना जाइएगा, बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। बिल्कुल यहाँ पर फुल डिटेल आपको देने वाले हैं, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सरकार ने कहा है कि उत्तीर्ण जो प्रतिशत तय करने का निर्णय यहाँ पर उनका बिल्कुल सही था। तो प्रदेश में जो आप लोग की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर लिखित परीक्षा के बाद उत्तीर्ण प्रतिशत तय करने के निर्णय को सही बताया। सरकार की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया है कि उनकी मंशा है कि अच्छे अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पर किया जा सके। तो आपको यहाँ पर बता दें कि 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति को रद्द करते हुए उन्हें 2 बार भर्ती में वरीयता दिए जाने की बात कही है। उसका तात्पर्य यह नहीं है कि मेरिट से समझौता किया जाए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर यह बात नहीं कही कि मेरिट से भी यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का कोई समझौता किया जाए। और साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूर्व में हुई परीक्षा में 1,700 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जबकि इस बार 6 जनवरी 2019 को हुई परीक्षा में 10,10,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने के कारण उत्तीर्ण प्रतिशत तय करना आवश्यक हो गया था। सरकार ने जवाब दाखिल कर कोर्ट में 17 जनवरी को दिए यथा स्थिति के आदेश को खारिज करने की मांग की है। कोर्ट ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड कर मामले की सुनवाई जो है बुधवार को जारी रखने का आदेश दिया। और इस बीच कोर्ट ने अंतरिम आदेश भी बढ़ा दिया और यह आदेश जो है जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच में मोहम्मद रिजवान आदि की याचिकाओं पर दिया जाएगा। कोर्ट ने याचिकाओं की ओर से सरकार के जवाब के विरुद्ध दाखिल प्रति उत्तर शपथ पत्र को भी रिकॉर्ड कर लिया। दरअसल सरकार ने 1 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की थी और इसके लिए जो 6 जनवरी 2019 को जो लिखित परीक्षा हुई थी, 7 जनवरी को सरकार ने सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 65% व OBC के लिए 7% उत्तीर्ण जो है यहाँ पर प्रतिशत तय कर दिए थे। फिलहाल इसे कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट के जो है इसे 17 जनवरी को आदेश से परीक्षा परिणाम पर आधार से इसका यहाँ पर लटक गया है। ओके, तो फिलहाल सरकार ने यहाँ पर अपने दलीलें पेश कर दी हैं और उन्होंने कहा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत तय करने का बिल्कुल यहाँ पर निर्णय ये सही है। ओके, तो फिलहाल देखते हैं, यहाँ पर कोई जैसी ही अपडेट मुझे मिलती है मैं आप लोग तक तुरंत लेकर आऊँगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।